नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य पंडित यतीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वाई के प्राकृतिक चिकित्सा में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जीर्ण ज्वर यानी पुराने बुखार में द्रोण पुष्पी गुम्मा के प्रयोग के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको सहदेवी के बारे में बताएंगे। हाँ दोस्तों, सहदेवी एक ऐसा पौधा है, ये जंगलों में कहीं भी मिल जाता है। दोस्तों, इस पर नीले कलर के, बैंगनी कलर के फूल आते हैं जो पकने पर सफ़ेद कलर के से हो जाते हैं। इस पर तुलसी के पत्तों जैसे पत्ते आते हैं। तो दोस्तों, इसके मैं आपको चमत्कारी कुछ प्रयोग बताऊंगा। पहला प्रयोग, मैं आपको इसकी जड़ का बताऊंगा। दोस्तों, आपको इसकी जड़ को सुखा करके रख लेना है। जिनको नींद नहीं आती है उनको सोते समय इसकी जड़ को तकिया के नीचे रखने से उन्हें भरपूर नींद आती है और रात को डरावने सपने नहीं आते। दोस्तों, इसके पंचांग को सुखा करके रख लें और पीस करके रख लें। इसके 2.5-3 ग्राम पंचांग को 200 ग्राम पानी में उबालें। जब 50 ग्राम पानी शेष रह जाए तो सुबह शाम पीने से प्रमेह, धात्रो, प्रदर, लिकोरिया और मूत्रा से संबंधित सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। तीसरा प्रयोग इसका यह है, यदि किसी के कोई घाव है जो भरता नहीं है तो इसके पत्तों को तोड़ करके उसका पेस्ट बना लें और उसको घाव पर लेप करने से घाव बहुत जल्दी भर जाता है। उसके बाद चौथा प्रयोग है इसका, जिनको पुराना बुखार है, जो जीर्ण ज्वर से बोलते हैं या मंद ज्वर रहता है, उनको लगभग 2.5-3 ग्राम सहदेवी के पंचांग को और 7 काली मिर्च पीस करके 200 ग्राम पानी में उबालें। जब 50 ग्राम पानी शेष रह जाए तो उतार कर सुबह खाली पेट पीने से सभी तरह के बुखार, पुराने बुखार दूर हो जाते हैं। यह योग बड़ों के लिए है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल वाई के प्राकृतिक चिकित्सा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आगामी वीडियो में फिर मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण योग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।